Jain everyone, it's me Khadim Hussain Sapur, live from Jawaharlal Nehru University Stadium. Jawaharlal Nehru Stadium. यार मैं बहुत सरप्राइज था आज पहली बार मतलब इतने सिक्योरिटी सब क्रॉस करके मैं अंदर गया. इतने आज यहाँ एक प्रोग्राम था कांग्रेस प्रेसिडेंट राहुल गांधी इन कन्वर्सेशन विद स्टूडेंट्स. हालांकि यार चाहे चाहे राहुल गांधी हो चाहे मोदी हो चाहे कोई सीएम हो चाहे कोई मंत्री हो, अगर इन लोगों को कहीं जाना हो कहीं आना हो तो भाई साहब इतने अलर्ट रखते हैं सिक्योरिटी, मैं समझ भी नहीं आया यार. मुझे लग रहा था मैं कहाँ जा रहा हूँ. करीब 10-11 बैरिकेड मुझे क्रॉस करना पड़ा, हर जगह अलग अलग चेकिंग, आई कार्ड, एंट्री, सब कुछ चेक करके. ये है मतलब मंत्रियों के लिए कुछ स्पेशल. यार मैं सोच रहा हूँ जो इंसान, मैं अपने फौजी भाइयों की बात कर रहा हूँ, अपने जान हथेली पे लेके पूरे देश को सुरक्षित रखते हैं. हम सब आज जी रहे हैं बिल्कुल मस्त मगन बिंदास सिर्फ और सिर्फ उनकी वजह से, जो आज इस समय कोई प्यासा कोई ठंड से लाचार कोई प्यासे कोई इतने कोई बॉर्डर पे हर जगह इंडियन आर्मी पैरामिलिट्री हर जगह तैनात है, उनकी वजह से आज हम यहाँ बिल्कुल मस्त मलंग फिटफाट है. मेरा सवाल ये है अगर मंत्री कोई आए उनके लिए इतने तगड़ी प्रोटेक्शन, उनके लिए इतने सिक्योरिटी और क्या बताऊँ, आप सब समझ गए होंगे. लेकिन जब कोई इंडियन आर्मी कहीं से जाना होता है कहीं कुछ ना उनके लिए कोई, ये लोग आते हैं तभी तो हेलीकॉप्टर से. और मेरा सवाल ये है कि ऐसे हमारे फौजी भाइयों के साथ ऐसे क्यों नहीं होता, हालांकि वो अपने हाथ हथेली पे अपनी जान लेके पूरे घूमते हैं हमें हमारे लिए, अपने माँ बाप से दूर, अपने बच्चे से दूर, अपने रिश्तेदारों से दूर, सिर्फ और सिर्फ हमें बचाने के लिए, ताकि हम खुश रहें, ताकि हम सलामत रहें, ताकि हम पे कोई आँच ना आए. तो वो लोग इतने हमारे लिए कर रहे, तो हमारी गवर्नमेंट इंडियन आर्मी के लिए पैरामिलिट्री के लिए उनके लिए क्या कर रहे हैं. कल ही देखा आप लोगों ने पुलवामा में कितने नौजवान शहीद हुए, कितने बेचारे बच्चे यतीम हो गए होंगे. तो यहाँ सोचने की समझने की ज़रूरत है. मैं पहली बार मतलब इतना सिक्योरिटी चेक करके इतने अंदर पहली बार पहुँचाऊँ, तो मुझे वो सरप्राइज हुआ ये देख के. मतलब इतना मंत्री के लिए इतना कुछ कर रहे हैं तो यार वो सेनाओं के लिए क्यों नहीं है, जो बिना किसी टेंशन के बिना किसी थकान के बिना किसी प्रॉब्लम के हम सभी को बचाने के लिए इतना तैनात रहते हैं हर जगह हर समय. चाहे ना उनको रात का पता है ना उनको दिन का पता है, बस सिर्फ हम सलामत रहे हम जिंदा रहे. यार जय हिंद.